सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, कोरोना के कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच रेलवे काफी सारे स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को एक सवाल जरूर है, स्पेशल ट्रेन का किराया जो है आखिर ज्यादा क्यों है? जो नॉर्मल ट्रेन जो चल रहे होते हैं उसका किराया जो होता है 500-600 होते हैं, स्पेशल ट्रेन जो चलाए जा रहे हैं उसका किराया कई गुना ज़्यादा होता है, यानी कि 150-200 स्लीपर क्लास का होता है। और थर्ड एसी की बात किया जाए तो 300-400 एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल ट्रेनों से। तो रेलवे का क्या बयान आया है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी बीच रेलवे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र बिहार के लिए काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। और आप लोगों को एक सवाल ज़रूर है, स्पेशल ट्रेन का किराया जो है, टू एस का भी होंगे तो 350 के आसपास है, 400 के आसपास, और स्लीपर क्लास की बात किया जाए तो 800-900 रुपये का है। जो कि मैं अगर तत्काल में भी टिकट बुक करते हैं महाराष्ट्र से पटना के लिए या फिर मुजफ्फरपुर के लिए तो 700-800 में बुक हो जाते हैं, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन का किराया यहाँ पे 800-900 रुपये है, तत्काल के रेट में क्यों लेता है? तो रेलवे का ये कहना है, अभी जो स्पेशल ट्रेन जितने भी चलाए जा रहे हैं महाराष्ट्र से बिहार के लिए, तो इधर से तो फूल जाता है लेकिन उधर रिटर्निंग के टाइम में उधर से बिल्कुल खाली जा रहा है और यहाँ पे रेलवे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल रहा है। तो यही सब एक रीज़न है जिसकी वजह से स्पेशल ट्रेनों का किराया नॉर्मल ट्रेनों से काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल ट्रेनों को बात किया जाए, जैसे उसमें टिकट बुक करते हैं तो 500 टिकट का किराया है। जैसे पहले जो चल रहा था ट्रेन, जैसे बिहार सप्तक्रांति, सप्तक्रांति LTT स्पेशल, उसका किराया जो था 800 के आसपास था स्लीपर क्लास का, लेकिन अब जो बुक करेंगे स्पेशल ट्रेन में तो 900-850 रुपये के आसपास है, यानी कि एक पैसेंजर से यहाँ पे 150-200 रुपये स्लीपर क्लास में लिया जा रहा है एक्स्ट्रा, और एसी के बात किया जाए तो 300-400 रुपये। तो यही एक मेन रीज़न है, क्योंकि अभी जो है महाराष्ट्र से बिहार जाने में यहाँ तो फुल सीट मिलता है, लेकिन उधर से रिटर्निंग के टाइम वहाँ पे बिल्कुल खाली आ रहा है। यही रेलवे का बयान आया था। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।